अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कनक मेम साहब जी, खराब मौसम के कारण आपके माँ और बाबा साहब वापस आ गए। माँ और बाबा साहब यहाँ? हाँ, और आपको पूछ रहे हैं। उनके लिए गेस्ट रूम खुलवा दिया है और वो वहीं हैं। सुनो, पता है शिवा कहाँ है? ठीक है, कहाँ है ये? जब शिवा वापस आएगा, सबसे पहले तो जैसा मैंने सोचा नहीं, सबसे पहले उसे लपेट जाऊंगे और फिर जैसा सोचा है कि अपनी सारी गलतियों की माफी मांग लूंगी, उसे बोल दूंगी मैं बहुत ज्यादा गिल्टी हूँ मेरे बर्ताव के लिए, और फिर मैं उसे कह दूंगी शिवा। शिवा, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी गलत बर्ताव किया है उसके लिए आई एम सॉरी। मैं माफी मांगना चाहती हूँ अपनी हर गलती की। मुझे एहसास हो गया है कि तुमने हमेशा प्यार से मेरी ओर कदम बढ़ाए, पर मैं अपने गुस्से और चिढ़ में तुमसे दूर भागती रही, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। आई प्रॉमिस, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लगी, तुम्हें बहुत चाहने लगी। आई लव यू शिवा, आई लव यू, आई लव यू शिवा। इतनी देर हो गई है, शिवा आया नहीं अभी तक, है कहाँ? अब वर कन्या को मंगलसूत्र पहनाएं। अब वर कन्या की मांग में सिंदूर भरे। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हो गए। सब
लाडू, लाडू, तू ठीक है ना? मैंने बहुत बुरा सपना देखा, समस्या कहाँ है? देख लाडू, जब इंसान कमजोर हुए है ना, तो मन में ऐसे ख्याल आते हैं। हर को पता है, तू बेहोश हो गई थी, गिर गई थी। सब कुछ ठीक है, तू आराम कर। दादी साहब, मेरा जी बड़ा घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मुझे जाना होगा। नहीं लाडू, तू फिकर मत कर, कुछ बुरा ना होगा। तू आराम कर, आराम कर, मैं समर को फोन करती हूँ। समर का फोन बंद है, कोई बात ना है, मैं मून को पूछती हूँ ना कटे गया है वो। हाँ, तू आराम कर, चल। चकोरी। हाँ। बहुत बुरी खबर है। क्या? अरे मारे भेजे हुए गुंडे समर और मेनका की शादी रुकवा ना पाए। अरे समर ने मार मार के उनको भगा दिया वहां से। समर, तेरी इतनी हिम्मत, और तू, तुझे कहा था ये शादी किसी भी हालत में रोकनी होगी, तो क्यों नहीं कर पाया तू? और तेरे गुंडे रोक क्यों नहीं पाए? अरे समर नहीं भगाया उनको, अब तक तो शादी हो भी चुकी होगी। मैं आके पूछने आई थी कि समर कठे है, इतने साल को जरूरत है उनकी, और मैं सुन कह रही हूँ कि समर दूजा बिहार अचाने जा रहा है। पड़ गई ठंडक थारे कलेजे में, इतने साल की जिंदगी बर्बाद करके। ये थप्पड़ ना मुझे नहीं, अपने पोते को मारना चाहिए। इस घर में सिर्फ मुझे पता था कि समर और मेनका शादी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेनका समर की प्रेमिका है, और मैं इस शादी को रोकने की कोशिश कर रही थी, ताकि रसाल को इस हालत में ये दिन ना देखना पड़े। तो ये जो थप्पड़ है ना, मुझे नहीं, अपने पोते को मारिए। हिम्मत रानी, ये के अनर्थ हो गया। रसाल को जब पता चलेगा कि समर दूसरी शादी करने जा रहा है, तो उसको कितना बड़ा धक्का पहुंचेगा। मुझे उसे इस खबर के लिए तैयार करना पड़ेगा। पता नहीं अब क्या होगा, मुंह सब बर्बाद। माना मुझसे नाराज है शिवा, पर ऐसा भी क्या है? रसाल की इतनी तबीयत खराब है, उसे भी इस मौसम में अकेला छोड़ के चला गया। फोन भी नहीं उठा रहा है, रसाल का भी फोन नहीं उठा रहा है। कहाँ हो तुम शिवा?
फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।